प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी करने की आवश्यकता है इन प्रश्नों से आप खुद आंक पाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 × -3 और +10, तो 8 × 3 से करेंगे तो 8 × 24 आएगा और 24 से जब आप ये 24 माइनस का होगा और प्लस के 10, ये माइनस के 24 हैं और प्लस के 10 हैं, तो जब घटेंगे तो माइनस के 14 बचेंगे। ठीक, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस का 14 आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर बच्चों दिया गया है कि 6/5 के तुल्य भिन्न कौन सी है। तो इसमें आप देखो गुणा कर सकते हो, या तो आप इसमें गुणा करके तुल्य भिन्न निकालो उसके बाद कर लो, या फिर इन संख्याओं को आप सरलतम रूप में लिख लीजिए, जानकारी हो जाए कौन सा राइट आंसर है। देखो अगर आप इसको काटने का प्रयास करोगे पहले ऑप्शन में, तो इसको 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 6, तो ऊपर तो 6 आ जाएगा जबकि ऊपर हमारे है 5, तो ये तो होगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन तो कट जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर आपका 6 है। इसमें देखो जब तीसरा ऑप्शन काटेंगे इसको, तो जब आप इसको देखो 50 का पहाड़ा 100 में लग जाएगा, तो 50 × 50 और 50 × 100, तो इसमें तो 1/2 आएगा, तो ये तो समतुल्य होगा नहीं इसके। अगला चौथा प्रश्न है, ये ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। आई बात समझिए, इसको जब आप काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15 और 6 × 3 = 18। ठीक, तो ऐसे आप इसको काटेंगे चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर है, 8.4 और 7.6 और 9.2 का औसत मान बताइए। औसत मान का सूत्र होता है कि औसत बराबर पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या होता है। तो 8.4 और 7.6 और 9.2 जब आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा 25.2 आएगा। तीनों को जोड़ लीजिएगा आप तो 25.2 आएगा। इसको जब 3 से आप भाग करेंगे तो आएगा 8.4। ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, इस प्रकार से आप करिएगा, हल हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर दिया गया है कि 4x − 3 = 33। तो 4x है तो 4x हमको x का मान बताना है, x की वैल्यू बताना है। तो ये माइनस के 3 इधर हैं, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 33 और +3 हो जाएगा। तो 33 और 3 = 36। अब 36 से 4 से भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 36/4, 36/4 हो जाएगा। 4 से 36 को काटेंगे, 4 × 36, 9 ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखो दिया गया 75 नंबर प्रश्न है, 50 का 50%। तो किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है, तो 50 का 50% क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऐसे आपका कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी संख्या का परसेंट निकालना हो, जैसे 50 का 50% निकालना है, तो 50 × 50। ठीक, ऐसे कर देंगे, पहले संख्या लिखेंगे फिर कितना परसेंट निकालना है वो लिखेंगे और बट्टे में 100 कर देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और 5 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55 25, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 76वें प्रश्न की बात करते हैं, दिए गए चित्र में एक्स अंश का मान मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको देखो, ये प्रश्न, ये जो कोण आपका दिया गया है ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसका मान कितना होगा, 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश होगा। बाकी इन दो कोणों का मान नहीं दिया गया है, लेकिन एक्स अंश दिया गया है, 2x अंश दिया गया है। तो इसमें एक सूत्र लगा दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कि 90 + 2x + x ये बराबर किसके होगा, 180 के हो जाएगा। ठीक, तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये 90 जाएगा इधर दूसरी तरफ बराबर के, तो ये 90 180 से घट जाएगा तो 90 बचेगा, इधर हो जाएगा 3x बराबर 90 आ जाएगा। ठीक, 180 से 90 घटाओ तो 90 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 से 90 घट जाएगा, तो 3 × 3 = 9 और ये 0 = 30 हो जाएगा। x बराबर कितना आया, 30, तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक, x बराबर 3 आएगा, x अंश का मान कितना आएगा, 30 आएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 77 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रवि ने 8000 रुपये में टीवी खरीदा, उसे बेचकर 20% लाभ कमाया, टीवी का विक्री मूल्य क्या था, यानी 8000 रुपये का उन्होंने खरीदा है
तो 8,000 रुपये पर आप जो है 20% लाभ निकाल लीजिए, कितना होगा? तो 8,000 रुपये का 20%, इसका जब 20% आप निकालेंगे तो 8,000 × 20/100 ऐसे लिखेंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो ये 8 × 20 से हो जाएगा, 80 × 20 से हो जाएगा, तो 8 × 2 = 16, ये होगा 1600 रुपये होगा लाभ। अब बेगा कितना का, मूलधन इसका था 8,000 रुपये, तो 16 × 2 = 1600, ये हो गया, 8,000 रुपये इसमें जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 9,600 रुपये, कितना हो जाएगा, 9,600 रुपये इसमें राइट आंसर होगा। और इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है, 9,600 रुपये, ठीक। अगला प्रश्न 78 नंबर, 5 × 6 × 5² भाग 5³। सबसे पहले तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, देखो सबके आधार बराबर हैं, तो जब आधार बराबर तो घातें जुड़ जाएंगी, 5 × 6 + 2 = 8 हो जाएगा, और माइनस में यानी भाग में घातें घटती हैं तो -3 कर दीजिए, तो 5 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक, नहीं 8 से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 की बात करेंगे, तो इसमें दिया गया है कि किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब 100 मीटर वर्ग माप दिया गया, परिमाप दिया गया, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 × भुजा, तो ये दिया गया है 100, इसको जब आप काट देंगे, 4 से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 25, तो a बराबर निकला 25, तो जब a बराबर 25 यानी भुजा वर्ग कितनी है, 25 है, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कर देंगे आप, 25 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 625, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से सिंपल सवाल आएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये 625 में राइट आंसर होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये प्रश्न बच्चों दिया गया है, ये मिश्र भिन्नों को जोड़ना है, 4 सही 1/2 दिया गया, तो इसको पहले या तो सरलतम रूप में लिख लीजिए, और या फिर आप दो तरीके से कर सकते हो इसको, 4 और 3 जोड़ दिए, 4 × 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसमें जो है 1/2 और 1/4 को जोड़ दीजिए, अलग 1/2 और 1/4 को जोड़ देंगे, तो इसमें देखो कैसे जोड़ेंगे, हर तो बराबर नहीं है, तो आप ऐसा करिए, इसमें आपको 2 से गुणा कर लेना है पहले वाली भिन्न में, तो ये हो जाएगा 2/2, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 4 और प्लस 1/4। अब देखो हर सेम हो गए, तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे और नीचे की संख्याओं ऐसे लिख लेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा 7 सही 2 और 1 3, 3/4, 7 सही 3/4, राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक, इस प्रकार से आप हल करेंगे इसको। अगला प्रश्न है 81 नंबर, ऐसे प्रश्न आते हैं और इम्पोर्टेंट है, तुरंत हो जाते हैं, x + 1/x = 5, जब ऐसे आपको कभी मिल जाए और x² + 1/x² इसका मान ज्ञात करना हो, तब आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और उसमें से माइनस कर देना है 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई भी संख्या जैसे मान लो 6 दिया गया हो 5 की जगह पर, तो 6 × 36 और -2 = 34, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे प्रश्न आप सिंपल सा कर लीजिए, और ये a + b का होल स्क्वायर सूत्र पर आधारित है, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं 82 नंबर, उस कोण का मान जो पूरा कोण के बराबर होता है, तो पूरा कोण होता है 180 अंश का, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 82 नंबर के बाद 83 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 23.04 है, इस क्षेत्र की भुजा की लंबाई बताइए। तो कोई भी वर्गाकार क्षेत्र होता है, उसकी जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा स्क्वायर होता है, तो ये 2304 के बराबर दिया हुआ, 2304 के बराबर दिया गया है, तो 2304 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, और 2304 का वर्गमूल होता है 28 मीटर स्क्वायर, ठीक, 48 मीटर स्क्वायर, ठीक, 48 मीटर होता है, 48 मीटर होगा, ठीक बच्चों, 48 मीटर। ये 2304 का आप दो विधियों से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे भाग विध से ज्ञात कर लीजिए, चाहे गुणनखंड विध से, ठीक, तो भाग विध से ज्ञात करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर है, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक टी शर्ट 714 रुपये में बेची गई, बट्टा प्रतिशत क्या होगा, यानी कितने परसेंट छूट मिली है ये बताना। तो 840 रुपये अंकित मूल्य है, 714 रुपये में बेची गई, मतलब
कितने परसेंट की छूट दी गई। तो पहले ये निकालेंगे 840 रुपये से 710 रुपये घटा दीजिए आप। ये जब घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना छूट दिया गया है, ठीक। उसके बाद प्रतिशत छूट निकाल लेंगे बस। तो ये हो जाएगा आपका 10 से 4 घटे 6 बचे, और इधर आपका 3 से 1 घटा 2 बचा, और इधर बचा 1। 126 रुपये छूट मिली। 126 रुपये छूट है। आप ये कितने पर छूट है? 840 रुपये पर छूट है। तो प्रतिशत छूट निकाल लेंगे, प्रतिशत बट्टा निकाल लेंगे, तो कितने पर है? 126 गुणे 100, ये होता है छूट बटे या बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य है 840 रुपये। इसको जब आप हल करेंगे तो इसमें राइट आंसर, इसको जब हल करने के बाद आपका आंसर आएगा 15%। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन दिया है कि x² - 5x + 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया 6, लास्ट में 6, 6 के ऐसा गुणनखंड करना है जोड़ने पर 5 आ जाए, वो भी माइनस का, और गुणा करने पर प्लस का 6 आ जाए। तो 3 × 2 = 6 होता है, माइनस का 3 से गुणा कर देंगे, माइनस का 2 से, ठीक। तब आपका 3 × 2 = 6 गुणा करने पर प्लस का हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 3 × 2 = 5 आपके माइनस के हो जाएंगे। तो ऐसे गुणनखंड आपका बनेगा x² - 3x और -k 2x + k 6। आप जब इसमें आप कॉमन लेंगे 2 2 में, तो आपका बनेगा, इसमें देखो x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा आपका x - 3, और इसमें आप माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा आपका x - 3, ठीक। ऐसे आप लिख देंगे। अब देखो पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में है x - 3, और बचेगा बाद में x - 2। तो x - 2 और x - 3 किसी में है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, ठीक। ऐसे 3rd ऑप्शन इसमें लगा देंगे। जिसके बाद 86 नंबर प्रश्न है, x³ - 4³, 3 की पावर 4 का मान, यानी 3 को 4 बार में गुणा कर देंगे, 3 × 3 × 3 × 3, और इसके बाद माइनस जो करना है 4 × 4 × 4, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9 × 27 × 3 = 81। तो 81 और माइनस 4 × 16 = 64, 64 माइनस करना है। तो इसको जब हटाएंगे तो आएगा 17। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ठीक। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर² है। इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 48 सेंटीमीटर² चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है अगर विकर्ण की बात करेंगे, तो ये होता है 1/2, और विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्णों का गुणनफल करेंगे तो विकर्ण इसमें एक 12 दिया गया है और दूसरा दिया गया है वो ज्ञात करना है दूसरा, तो इसको एक समान लेते हैं, बराबर में हो जाएगा कितना 48, ठीक। ये होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक। तो इसको जब आप ऐसे हल करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, 6 × 2 = 12। अब 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 48 के भाग में चला जाएगा, तो ऐसे इसको काटेंगे तो 6 × 6 = 48, एक्स बराबर आएगा आपका 8। तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा 87 नंबर में। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, 7/15 का योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है इसका उल्टा, योज का मतलब योग और योग का उल्टा घटाना होता है, तो जस्ट इसके आगे घटाने का निशान लगा देना है बस। 7/15 है, ये प्लस का दिया गया है, तो 7/15 माइनस का आंसर होगा, ये 3rd ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है लेकिन हल नहीं करना, जैसे आपको बना देना है बस। लिखा है कि 15 श्रमिक किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं, तो 15 श्रमिक हैं और वो 48 घंटे में काम पूरा करते हैं, 20 घंटे में काम पूरा करवाना है, ठीक। ये 48 घंटे में करवाते हैं, ठीक। अब 20 घंटे में काम पूरा करना है, समय आपको कम कर देना है, और तो समय का जो कम करेंगे तो श्रमिकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो हमको श्रमिकों की संख्या बताना है। तो इसमें आपका ज़्यादा की तरफ तीर लगता है, तो ये आपका तीर का निशान ऐसे बनेगा, यह समानुपात अनुपात समानुपात का नियम इसमें लगा दीजिए, हो जाएगा, ठीक। और ये ऊपर की तरफ लग जाएगा, अब एक तरफ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर में, अब बड़े वाला 48 और 20, ठीक। तो ऐसे जब करेंगे तो ये आपका गुणा होके आएगा
एक्स बराबर 48 गुणे 15 और बटे में 20। ठीक, ये आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 36 दिन। हल करेंगे 36 दिन आंसर आएगा इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल सा है और इसका आंसर एक आएगा। 2000 का घात लिखी है 0, किसी भी संख्या में घात अगर 0 लगी हो तो उसका मान कितना होता है? 1। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन थे। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।